हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जेली। जो जेली वाली कैंडी होती है वो बनाएंगे हम। आज हम जेली वाली कैंडी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने ना ही इसमें अगर पाउडर यूज़ करना, हमने ना ही हम जेलीटिन डालेंगे, फिर भी इतनी एकदम जेली टाइप हमारी जेली वाली कैंडी तैयार होगी। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी कैंडी बनाएंगे हम। इसके लिए हमने 1/4 कप से 1 कप पानी लिया है। पानी हमने बिल्कुल कम ही डाला है, 1/4 कप से जो होता है उसी से 1 कप लिया है। 1 कप हमने चीनी डाली है, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं। इसके हम चाशनी बना लेंगे। पहले चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्की सी, एक हमारी जैसे एक तार बनने लगती है उतनी पकानी है हमें चाशनी को। देखिए, इसी तरह से हमें चलाते जाना है। गैस का फ्लेम हमने एकदम मीडियम रखा हुआ है, गैस का फ्लेम हमें ज़्यादा नहीं रखना है। ये देखिए, चाशनी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। हमने पानी बिल्कुल कम डाला है, इसलिए हम एकदम मीडियम फ्लेम में पका रहे हैं चाशनी को। अगर हम ज़्यादा गैस का फ्लेम रखते हैं तो हमारी चीनी पिघलती नहीं है और पानी जल जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये हल्की सी एक तार बन रही है, ऐसी हमें चाशनी चाहिए। तो ये हमारी चाशनी बनकर तैयार है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नींबू का रस। इससे क्या होगा, हमारी चाशनी तो जमेगी नहीं और ऊपर जो पापड़ी आ जाती है चाशनी के ऊपर वो भी नहीं आएगी, वो जैसी है वैसी रहती है इससे। इसलिए हमने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया। अब हमने दूसरी कढ़ाई रख दी है, इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। आधा कप हमने लिया है कॉर्नफ्लावर पाउडर, जो कॉर्नफ्लावर होता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले गैस हमने चालू नहीं किया है, हमें इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही गैस चालू करना है। अभी हमने गैस चालू कर दिया है। अब हम इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। अभी मैं इसमें 1 कप पानी और डालने वाली हूँ, उसी कप से जिससे पहले डाला था हमने, क्योंकि हमारा जो ये हम बैटर तैयार करें इसका घोल वो गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी और डाला इसमें। टोटल हमने 2 कप पानी यूज़ किया है। आधा कप कॉर्नफ्लेयर लिया था हमने। ये देखिए, एकदम ट्रांसपेरेंट हो रहा है ये, इसे पकाते पकाते एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये जो हमने चाशनी तैयार करके रखी थी पूरी डाल देंगे इसमें। 1 कप चीनी की चाशनी है हमारी। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी हम। इसमें मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस, क्योंकि हम पाइनएप्पल टेस्ट वाली बनाने वाले हैं कैंडी, इसलिए मैंने 3-4 बूंद डाल दिए पाइनएप्पल एसेंस। इसी में हम येलो फूड कलर डाल रहे हैं, क्योंकि हम पाइनएप्पल कैंडी बना रहे हैं इसलिए हम येलो फूड कलर यूज़ कर रहे हैं इसमें। ये देखिए, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचा सकूँ। ये देखिए, ये हमारे कैंडी के लिए घोल तैयार है। गैस हमने बंद कर दिया, इसे हल्का सा ठंडा कर लिया हमने। अब ये कंटेनमेंट निकाल देंगे। मेरे पास ये प्लास्टिक का डब्बा है, उसी में निकाल लूँ। आप कोई भी बर्तन में निकाल सकते हो। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल कर दिया था पहले से। ये देखिए, ये हमारी कैंडी हमने 2 घंटे तक फ्रिज में रखा था, तो जेली एकदम सेट हो गई है। अभी हम निकाल देंगे इसको। ये मैंने चीनी की जो शुगर होता है वो घर पे तैयार किया, शुगर पाउडर थोड़ा दरदरा पीस कर, इसे हम नीचे डाल देंगे थोड़ा। अभी ये जो कैंडी है हमारी, ये जेली पूरी खाली कर दी हमने इस पर। ये देखिए, कितनी एकदम जेली लग रही है, देखने में जेली लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी है। फिर से हम थोड़ा सा शुगर डाल देंगे ऊपर पिसा हुआ। इसे मैंने दरदरा पिसा हुआ है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे घर पे मार्केट से पिसा हुआ पाउडर लाते हो वो भी डाल सकते हो,
पर थोड़ा दरदरा पिसा हुआ डालो तो वो देखने में अच्छा लगता है और खाने में इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अभी इसे हम कट कर लेंगे, आप कोई भी शेप में कट कर सकते हो। ये कितने अच्छे से आराम से कट रहा है ये। हमने अपनी कैंडी कट कर ली है, फिर इसे थोड़ी शुगर डाल देंगे हम। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, यही कितनी अच्छी बनी है। थोड़ा सा शुगर से कोट कर लेंगे, ये देखिए बहुत इतनी स्पंची एकदम बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम जेली टाइप बनी है हमारी। ये देखिए कोई नहीं बता सकता कि आपको इसमें आपने अगर अगर पाउडर या जिलेटिन नहीं डाला है, इतनी अच्छी हमारी ये कैंडी बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। ये देखिए फिर से मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितनी अच्छी हमारी कैंडी बनी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी एकदम जेली बनी है हमारी कैंडी, बहुत ही अच्छी बनी है। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये देखिए वो खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। जय माता दी।